हेलो दोस्तों, आज आप जानेंगे कि ये जो सेटअप बॉक्स है, देखिए इसमें सप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, ये स्लिम टाइप का जो सेटअप बॉक्स आजकल आ रहा है, जैसे सागर कंपनी का हुआ, रिले का हुआ, ये सब कंपनी का जो आ रहा है, सब में थोड़ा सा अलग टाइप का पीसीबी डाला हुआ है। पावर किट भी एसएमपीएस जो है वो भी अलग डाला हुआ है और डीटीएच कार्ड भी अलग डाला हुआ है। सबसे पहले आप स्क्रू को रिमूव कर लें, मुझे भी नहीं पता क्या दिक्कत है। ठीक है, आप सभी स्क्रू को रिमूव कर लें सबसे पहले, फिर देखा जाता है। ठीक है, पीसीबी खोल लेने के बाद अब देखिए मैंने सप्लाई दे दिया है। अब आपको मल्टीमीटर की हेल्प से चेक करके बता रहा हूँ। मल्टीमीटर को आप सबसे पहले एसी रेंज में लगा लीजिए, क्योंकि मुझे पहले एसी वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, और अगर आप मल्टीमीटर पे वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ठीक है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जहाँ पे आ रहा है पिन वहाँ पे देखिए मैंने चेक किया तो भाई वोल्टेज सही मिल रहा है आपका। ठीक है, 240 वोल्ट सही मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए स्विच के पास देखिए यहाँ पर भी वोल्टेज सही मिल रहा है। इसका मतलब अब हमको डीसी करना है। ठीक है, रेक्टिफायर तक गया और यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है हमको। ठीक है, देखिए रेंज बढ़ाना होगा, 344 वोल्ट डीसी मिल रहा है। इसका मतलब ये सब कुछ सही है। ठीक है, और इसमें शिकायत कभी कभी है कि कभी कभी सप्लाई इसमें आता है और कभी कभी क्या होता है फिर चला जाता है, कभी कभी साउंड गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, कभी कभी साउंड सही हो जाता है। देखिए इस सब भी प्रॉब्लम जो है, ये जो नया टाइप का जो कार्ड लगा हुआ है, इस कार्ड के ये जो कनेक्शन यहाँ लूज हो जाने से आजकल आ रहा है। ठीक है, देखिए अब देखिए मैं डिस्प्ले दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए आप जैसे हल्का सा तिरछा उरछा करने से हो रहा है, फिर देखिए तिरछा करने से ऑफ हो गया। ठीक है, फिर देखिए हल्का सा ऐसे दबाने से ऐसे हो रहा है, ऐसे ऑफ, फिर ऐसे कर देने से ठीक है ऑन हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सप्लाई सबसे पहले रिमूव कर देनी है। ठीक है, सप्लाई रिमूव करने में कुछ भी आपको नहीं बदलना है। ठीक है ना, सिर्फ आपको क्या करना है, अच्छे से सभी लीक को, ठीक है, जहाँ जहाँ भी देखिए यहाँ यहाँ है, ठीक है, जहाँ जहाँ भी सप्लाई दिया गया वहाँ वहाँ आपको फिर से अधिक रंगा लगा के, पहले तो आप पेस्ट लगा दीजिए, पूरे में आप पेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको सबको फिर से रीसोल्ड करना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक एक करके बारी बारी से सबको इसी तरह रिसोल्ड कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये सब प्रॉब्लम क्या होता है, कार्ड कभी कभी डीटीएच कार्ड से भी होता है, तो आप हमेशा पावर एसएमपीएस जो है इसका, उसको रिपेयर करने के लिए ना सोचें। आप यहाँ से भी पहले उसको रिसोल्ड करके देखें। देखिए अभी रिसोल्ड कर देने के बाद तुरंत इसमें सप्लाई आ चुकी है। ठीक है, और जो आपका सभी जो है बटन ये सब भी प्रॉपर काम करने लगा है। ठीक, और अगर आप इसी तरह के ज़रूरी वीडियोज पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।